लोग उसमें गिरफ्तार हुए, क्या बरामद की हुई और अभी तक की कार्रवाई क्या है? चुप हो जाओ भैया, क्यों सुनो, अभी तक की कार्रवाई क्या है? देखिए, पूर्व में यूके ट्रिपल एससी में भर्ती से संबंधित कुछ अनियमितताएं सामने आई थी, उसके परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जितने भी परीक्षा माफिया हैं जो पेपर लीक कराते हैं उन लोगों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का निर्देश दिया गया था। इसमें माननीय DGP महोदय द्वारा भी STF को भी निर्देशित किया गया था कि जो भी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं उस संबंध में सूचना संकलन किया जाए, अगर किसी प्रकार की अनियमितता की बात सामने आती है तो उस पर कार्यवाही की जाए। तो उसमें हमें गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त हुई थी कि जो विगत 8 जनवरी को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा लेखपाल और पटवारी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी उसका प्रश्न पत्र कुछ अभ्यर्थियों को पूर्व में ही उपलब्ध कराया गया था। तो उस सूचना पर STF की टीम ने जाँच करते हुए जब विस्तृत जाँच की तो उसमें सामने आया कि जो UKPSC के एक सदस्य द्वारा, एक एम्प्लॉई द्वारा, अनुभाग अधिकारी हैं उसके द्वारा वहाँ से प्रश्न पत्र को चुरा कर फोटो खींच कर बाहरी व्यक्तियों को जिनके नाम राजपाल और संजीव कुमार हैं उनको उपलब्ध कराया गया और उनके माध्यम से अन्य अभ्यर्थियों को ये प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व ही पढ़ा दिया गया था। लगभग अभी तक की विवेचना में 35 अभ्यर्थियों का परीक्षा से पूर्व ये प्रश्न पत्र प्राप्त किया जाना प्रकाश में आया है। देखिए, इसमें लगातार हमें सूचनाएं मिलती रहती हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों से अपील करते हैं कि अगर किसी के पास भी कोई इस प्रकार की सूचना है कि पेपर भर्ती, पेपर घोटाले से संबंधित किसी ने पेपर लीक किया है या कोई नकल की है तो उसकी सूचना हमें मिले। लगातार सूचनाएं मिलती रहती हैं, हम उनको वेरीफाई करते हैं और अगर कहीं कुछ सही पाया जाता है तो उसमें आगे कार्यवाही करते हैं। क्या इन्होंने सिर्फ लेखपाल पटवारी में ही गड़बड़ की है, पूर्व में भी आयोग द्वारा परीक्षा में कुछ जानकारी आप लोगों को मिली है? देखिए, अभी इनको कुछ समय पूर्व ही गिरफ्तार किया गया है, इनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आगे कार्यवाही। ये राजपाल से क्या संबंध है संजीव के? देखिए, जो इसमें संजीव चतुर्वेदी है जो कि अनुभाग अधिकारी है वो राजपाल को पूर्व से जानता था। राजपाल एक कॉलेज था, वहाँ पर लेक्चरार था, वहाँ पर इसके जो रिलेटिव थे संजीव चतुर्वेदी के वहाँ पर अध्ययनरत थे, तो वहाँ से इनका संपर्क पिछले 5-7 साल पहले स्टार्ट हुआ था और यही संपर्क था। बाकी जो अन्य संजीव कुमार हैं और राम कुमार हैं वो राजपाल से लिंक थे। सर, ये कहाँ कहाँ से गिरफ्तार हुए, बरामद की क्या कुछ? देखिए, इनको अन्य अलग अलग क्षेत्रों में से गिरफ्तार किया गया है, हरिद्वार में जहाँ जहाँ के निवासी हैं और इसमें जो अभी क्योंकि टीम्स हमारी बाहर हैं लगातार बरामदगी के प्रयास चल रहे हैं। जो अनुभाग अधिकारी है संजीव चतुर्वेदी उसकी अभिरक्षा से 22.5 लाख रुपए अभी तक हमने बरामद किए। सर, जो पहला एक गैंग पकड़ा गया था जिसने हाका, उस गैंग का इससे कोई ताल्लुक अभी तक देखने को मिला है? क्योंकि अभी कुछ समय पूर्व ही इनको गिरफ्तार किया गया है, इनसे पूछताछ जारी है, टीम्स हमारी बाहर हैं, अभी तक ऐसा कोई फैक्ट सामने नहीं आया है लेकिन जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम आगे कार्यवाही। क्या सर, वो अभ्यर्थी जो 35 है उनमें से किसी से कोई बात या उनको पूछताछ के लिए रखा गया है? देखिए, जब हमारे गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी तो उसमें वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थी से भी पूछताछ की गई थी, अभी इसमें विवेचना में भी उनको शामिल किया गया है। देखिए, जैसा मैंने बताया कि अभी उसको कुछ समय पूर्व ही अरेस्ट किया गया है, पूछताछ लगातार जारी है, उसके दौरान जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम आगे कार्यवाही करेंगे। किसी कोचिंग संस्थान से भी उनका अभी तक की विवेचना में, अभी तक की पूछताछ में ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू सर। सर, कुछ फोटोग्राफ की फोटो हम आप